So welcome you all to esparks.in. Today, yesterday we had read about the basic price, the base price and the nominal price, the base price, base year, real GDP and nominal GDP. So this was 2010, and on 2010, let us consider the price year and let us consider the number of units here. Of sale, okay. So on 2010 the price was rupees 50 and total number of units were 10. In 2023 the price became rupees 75 and number of units became 12. Okay, so how can you say what is the real GDP here, as well as what is the nominal GDP here? Fine, the real GDP would be the price at that year and the number of units sold. Okay, the real GDP would be price 50 into 12, that will be equal to rupees 600. It is the real GDP. And what would be the nominal GDP? It would be the price at current year, that is 75, into the number of units sold. Okay, 75 into 12, so it will come about rupees 900. So this was the difference. Okay, this was the difference between the real GDP and nominal GDP. In real GDP, a price was kept fixed, the base year is fixed. On the base year, the price used, jo price use ho raha tha base year mein, उसको हम लोग कंसीडर करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना सेल हुआ है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं. सो दिस गिव्स अ फैक्टर ऑफ दिस गिव्स अ व्यू ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है. सो अनदर पॉइंट इज दैट देयर इज समथिंग दैट इज नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. ये एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स को कहा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर. सो व्हाट वुड बी द इंडेक्स, इसमें कितना आएगा आंसर. नॉमिनल जीडीपी अपना कितना है 900, एंड व्हाट इज रियल जीडीपी, इट इज 600. ओके, इट विल कम समथिंग बाय 3/2 और 1.5. ओके, सो दिस इज अ बिट, ये टर्म जो था ये थोड़ा छूट गया था, इसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के हिसाब से जानते हैं. ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. चलिए, हम लोग कल हम लोग पढ़े हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में. ओके, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट में वी लर्न्ड दैट टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट. ओके, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल बाय द प्रोड्यूस कंसिडेंट, अपना खुद का कंट्री के अंदर जो भी रेसिडेंट्स हैं उनका टोटल जितना भी इनकम है, माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम लोग कर देंगे, जीएनपी से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो वो हम लोग का बन जाएगा एनएनपी. लेट अस कम टू अनदर टॉपिक हियर. लेट अस कम टू अनदर टॉपिक हियर. जब भी कुछ इस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ओके, सो जनरली फोर फैक्टर्स आर कंसिडर, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी नो व्हाट आर दे दोस्तों, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है एंड सैलरी है. ओके, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट, जनरली हम कभी भी कॉस्ट नहीं कह सकते, एक टर्म होता है फैक्टर कॉस्ट. व्हाट इज दिस फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली? फैक्टर कॉस्ट मींस द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ओनली, ठीक है. इसमें हम लोग कोई टैक्सेस, कोई भी मार्केट प्राइसेस कुछ भी नहीं ऐड करते हैं. सो दिस इज ओनली द टोटल प्राइस. एक है अपना मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या है, द प्राइस दैट इज अवेलेबल टू कस्टमर्स. इफ आई एम अ कस्टमर, ओके, आई एम गोइंग टू बाय अ बिस्किट, आई एम गोइंग टू बाय अ बिस्किट, आई बॉट द बिस्किट फॉर रुपीज 20. तो ये जो 20 रुपीज में हमको मिल रहा है, ये हमको किस प्राइस में मिल रहा है, ये हमको मार्केट प्राइस में मिल रहा है.
बट फैक्टर कॉस्ट यूज हम लोग नहीं करते हैं, इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज यूज्ड बाय द फर्म. तो इसमें गवर्नमेंट के लिए यूज होता है टू कैलकुलेट, वो देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कितना पड़ा है. ओके, बट हमको ये मार्केट टैक्स में मिलता है. अगर मार्केट टैक्स से कोई भी एक फर्म है, ओके मान लीजिए एक कंपनी है, बिस्किट मैन्युफैक्चरर ए बी सी, इट मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स, ए बी सी बिस्किट्स लिमिटेड, बहुत बड़ा कंपनी है, वो मार्केट में बेच रहा है एक बिस्किट पैकेट को ₹20. तो ये ₹20 में क्या क्या चीज़ ऐड हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर जीएसटी इंक्लूडेड है. प्लस इसको गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम चल रहा है कि जो भी बिस्किट्स बनाएगा इंडिया के अंदर उसको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा. ओके, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट डिस्काउंट, को कहा जाता है सब्सिडीज. तो इसके ऊपर से सब्सिडीज भी रिड्यूस हुआ है, राइट. तो जब भी ₹20 का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बना, ₹20 का जिसको वो बेच रहा है, उसमें टैक्सेस है प्लस सब्सिडीज है, ठीक है. तो ये सारे को वो ₹20 कैसे रखता है दोस्तों? ₹20 जब भी वो रखेगा तो हमको फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलेगा? जब भी प्राइस कोई कंपनी रखता है, ठीक है, लेट अस कंसीडर हियर, अ प्राइस, ठीक है. एक कंपनी इफ प्रोड्यूसेस वन बिस्किट, वो एक बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है, देन व्हाट आर द फैक्टर्स? देखिए, उसको तो पहले हो गया उसका रेंट में, उसका भाड़ा में, वो क्या चीज देख के प्रोड्यूस करे? कंपनी बैठा हुआ है एबीसी बिस्किट लिमिटेड, तो वो रेंट में उसको पैसा जा रहा है, प्लस वो कैपिटल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ किया है, वो अपना फिर वेजेस भी देता है लोगों को, प्लस अपना प्रॉफिट रखा है. प्रॉफिट रखने के बाद उस चीज में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसमें एडेड है, ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसको देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है. और सब्सिडीज तो गवर्नमेंट से उसको मिल रहा है, तो वो उसके लिए प्रॉफिट है. तो ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अपना इसी चीज को देख करके वो मार्केट में अपना प्राइस लेके आया है. तो दिस इज द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस में आप देख सकते हैं सारे इनडायरेक्ट सब्सिडी टैक्सेस, सारे इनडायरेक्ट सब्सिडीज को ऐड किया गया है, ठीक है, ऐड किया गया है. बट व्हाट कैन यू से दैट, ये चीज क्या है? ये चीज आप अगर देखें तो ये कुछ नहीं, ये बस फैक्टर कॉस्ट है, अपना टोटल खर्चा जो हुआ है फैक्टर्स में, राइट. सो बिस्किट्स जो प्रोड्यूस किया है प्लस उसमें टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, सारे चीज को अगर हम लोग मिला दें फैक्टर कॉस्ट के साथ अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला दें, फैक्टर के साथ अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला दें प्लस अगर हम सब्सिडीज को माइनस कर दें, तो हम लोग कह सकते हैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडीज, देन वी कैन से दैट इट इज द मार्केट प्राइस. तो यही फैक्टर, यही चीज को समझना था जिसको हम लोग अभी एक बार देखते हैं. चलिए, ओके. तो टैक्सेस भी देखिए दो प्रकार के लग सकते हैं. टैक्सेस एक है कि एक आपका प्रोडक्शन टैक्सेस है एंड एक आपका प्रोडक्ट टैक्सेस है. क्या क्या चीजें हैं चलिए देखते हैं. प्रोडक्शन टैक्सेस कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि भले आपका प्रोडक्ट बने ना बने वो आपका कटेगा ही, ठीक है. कंपनी सेटअप हो गया है, मान लीजिए फॉर ए फार्मर प्रोडक्शन टैक्सेस क्या हो सकते हैं? उसका रेंट, जमीन का लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स जो रहता है, जमीन का टैक्स, उसको वो देना पड़ेगा, ठीक है. बट प्रोडक्ट टैक्सेस क्या है? कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी है. जीएसटी फॉर एग्जाम्पल, जो जीएसटी वो लगा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्सेस लग रहा है जीएसटी का, वो प्रोडक्शन टैक्स नहीं है, वो प्रोडक्ट टैक्स है, ठीक है. तो हमेशा कभी भी हम अगर मार्केट प्राइस से अगर हमको निकालना होगा कुछ भी चीज, या फिर हम लेट कंसिडर फैक्टर कॉस्ट के साथ अगर हम प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करें, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ओके, तो इसको हम लोग एक नया टैक्स कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड,
जीडीपी कैलकुलेट करने से पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोग मेथड कर रहे थे, जीवीए एट बेसिक प्राइस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवीए एट बेसिक प्राइस, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, मार्केट ये जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस सब्सिडीज करेंगे, इसको जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो एक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं दोस्तों कि ये जीवीए फिर न्यू टर्म क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग जीडीपी क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? बिकॉज जीडीपी कहता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है, राइट? तो ये क्योंकि टोटल नहीं है, ये तो बस प्रोडक्शन वाला ऐड किया है। बट जब भी हम फैक्टर कॉस्ट के साथ, सॉरी जीवीए, जीवीए एट बेसिक प्राइस के साथ, या फिर हम लोग फैक्टर कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट के साथ जब हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये दोनों टैक्स ऐड कर दिए, माइनस कर देते हैं प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, तो हम ये चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि जीवीए एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नोट्स लेने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अभी बस आप समझिए, नोट्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज है, समझ में आ गया होगा ये चीज आपको। नेक्स्ट, अगर उसी चीज को हमने पहुंचा था, हमने इधर क्या लिखा था दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोडक्ट सब्सिडीज को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा पहले से दिया जाता है कि तुम लोग बेनिफिट करो, तो इसीलिए सब्सिडीज को माइनस किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, इसको ये क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग कह पाएंगे। एंड ये टोटल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये टोटल को अगर हम लोग देखें, ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं जीवीए, इसको हम लोग कहते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस। ठीक है, बेसिक प्राइस। तो ये चीज है जिनको जानना हमको थोड़ा जरूरी है, इसीलिए क्योंकि हमको तभी पता चल सकता है कि एक्चुअल में इंडिया में फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है कि नहीं, इंडिया में मार्केट प्राइस में कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है कि नहीं, इंडिया में बेसिक प्राइसेस में कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये तीनों मेथड यूज होता है बट फॉर डिफरेंट टर्म्स। अभी कंट्री में क्या हो रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे जान सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट बहुत कम है, फैक्टर कॉस्ट सबसे छोटा है उसमें, तो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन टैक्सेस बढ़ रहा है, तो बेसिक प्राइसेस जो है, बेसिक प्राइस जो है, फैक्टर प्राइस इज लेस देन बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन टैक्सेस बढ़ गए हैं, और टैक्सेस से मैक्सिमम केसेस में सब्सिडीज बहुत कम रहते हैं। सब्सिडीज कितना, आप अगर गैस सिलेंडर एक खरीद रहे हैं, गैस सिलेंडर खरीदने के बाद आपके पास वहां पर 18% जीएसटी पड़ता है, टैक्सेस में तो आपको 6 रुपया, सब्सिडीज में 10 रुपया की 15 रुपया कुछ आता है, ये तो 18% है। ठीक है ना, बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस मिल जाते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं, तो इसीलिए मार्केट प्राइस जो है अपना, मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होता है, सेंट्रल में रहता है बेसिक प्राइस एंड देन फैक्टर प्राइस। ठीक है, तो इतना ही था आज का ये वाला जो कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है, आसान सा टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या है फैक्टर कॉस्ट, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट मींस जो भी इनकम हो रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के पहले हम लोग जीएनपी देखते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है पहले। ओके, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माने जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे जितने भी सैलरी आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया, जीएनपी के पहले हम लोग जीडीपी चलते हैं, जीडीपी से जब हम माइनस कर देंगे, जीडीपी से जब हम माइनस करेंगे नेट 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 इंपोर्ट फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग पहुंचते हैं एक टर्म जीएनपी पे। ठीक है, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको जीएनपी एंड जीडीपी का समझ आ जाएगा। ठीक है, देन जीएनपी से अगर हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, हम लोग आते हैं एनएनपी पे, ये हम चीज जानते हैं। बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसमें खाली फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर कॉस्ट का, फैक्टर प्राइसेस खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी नो इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसिडर हुआ है, कोई टैक्सेस या फिर कोई सब्सिडीज नहीं कंसिडर किया जा रहा है। ये पहले यूज होता था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी को नेशनल इनकम कहा गया है। ये सारे टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज है किसी भी कंट्री के बॉर्डर के पीरियड के अंदर, और इसमें डेप्रिसिएशन भी लिया गया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का कंसिडरेशन हुआ है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वो मत देखिए, डेप्रिसिएशन भी कंसिडर किया गया है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बट 2015 में क्या होता है, गवर्नमेंट का ट्रांजिशन होता है कहां से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। रीजन क्या है दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट में हम लोग को जनरली एक एक्चुअल कंट्री का टोटल पोजीशन नहीं पता चल पाता है। फैक्टर कॉस्ट उसमें गवर्नमेंट एक्चुअल में उसको कितना मदद कर रही है, सब्सिडीज कौन सा डायरेक्शन में दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कितना ले रही है। अब इनका भी तो हिसाब रहना चाहिए ना दोस्तों, टैक्सेस कितना काट रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए शिफ्ट किया है 2015 में फैक्टर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट टू एनएनपी एट फैक्टर प्राइस। ठीक है, अभी अपना जो एनएनपी होता है फैक्टर मार्केट प्राइस में होता है, तो इसमें क्या होता है, अभी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग कंसिडर किए हैं, सारे सब्सिडीज को कंसिडर किए हैं, एंड देन हमको टोटल पता चल पाता है कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन क्या है अपना इंडिया का। तो कभी भी नेशनल इनकम आए तो नेशनल इनकम को जनरली हम लोग कहते हैं इनकम ऑफ द कंट्री, इनकम ऑफ द नेशन। तो नेशन का इनकम जब भी हम देखते हैं, इनकम देखते हैं उसका टोटल फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है ना, ना कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज में, इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर सब्सिडीज में, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भले इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि उसको माइनस करना जरूरी है, हर साल कुछ चीज को वैल्यू कमेगा तो उसको माइनस करेंगे। नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एक टर्म पे जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। 100 आदमी है ना दोस्तों, 100 पीपल, लेट अस कंसिडर, सम आर पुअर, सम आर ऑफ मिडिल क्लास एंड सम आर वेरी रिच, ठीक है। अब टोटल मेरा इनकम लेट अस कंसिडर कि सारे अगर काम करते हैं, ये खेती कर रहा है, ये अपना पोल्ट्री फार्म खुला हुआ है, मिडिल मैन अपना बिजनेस जॉब कर रहा है, कहीं पे छोटा सा कोई दुकान चला रहा है, रिच पर्सन अपना बड़ा बड़ा बिजनेस लेकर के बैठा हुआ है, एंड टोटल इनकम वो लोग कर रहे हैं लेट अस कंसिडर ₹1 लाख। ओके, तो रिच पर्सन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, अबाउट 95% कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, रिच पर्सन। वो इतना धनी रहता है कि वो सारे लोगों को खरीद सकता है, पुअर मिडिल मैन सबको। बट एक्चुअल में एक कंट्री का पोजीशन क्या रहता है वो हमको पता चलता है एक चीज जिसको टर्म कहते हैं पर कैपिटा इनकम। सो व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पर कैपिटा इनकम। इफ वी डिवाइड द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हियर, देन वी विल कम टू अन एवरेज इनकम ऑफ अ नेशन, एवरेज इनकम ऑफ नेशन हम लोग ये टर्म पे पहुंचेंगे, एंड दिस एवरेज इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड किसको करना पड़ेगा, डिवाइड द टोटल इनकम टू द पॉपुलेशन। ओके, सो लेट अस हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया। जब भी हमको ये डिवाइड कर देंगे देन हमको क्या आएगा, 1 लाख बाय 1 लाख बाय 100 कितना आएगा हम लोग का, 1000 रुपीज आएगा, 1000 रुपीज। तो पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज, ठीक है। ये चीज समझना है, तो पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन, अभी हर पर्सन लगभग इन एन एवरेज 1000 रुपीज कमा रहा है, भले ही रिच 95% कमा रहा है पैसा, और जबकि अगर हम लोग देखें तो एवरेज में पुअर पर्सन बहुत कम कमा रहा है, ये कहीं 50 रुपया के आसपास कमा रहा है, तो रिच पर्सन कहीं पे वो दो 20,000, 10,000, वो लोग कितना कमा रहा है, ये 50 रुपया कमा रहा है तो ये 10,000 कमा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। बट इन एन एवरेज हमको निकालते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम मीन्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ओके, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो इससे पता चलता है कि पर हेड आदमी कितना कमा रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज है, तो ये एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं है बट एन एवरेज है।
ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए, इकोनॉमिक वेलबींग देखने के लिए पॉपुलेशन का। हायर पर कैपिटा इनकम जनरली होता है कि हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी है। बट वहीं पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ठीक है वो तो सारी चीज ठीक है, क्या ये एक्चुअल डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी इसका जानना जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम एक्चुअल हमको नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें दोनों में बहुत इनकम डिस्पेरिटीज हो, इनकम में डिफरेंसेस हो, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको और देखने का जरूरत नहीं है। तो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों आज, ठीक है। तो जिसको भी कोर्स पसंद आए जरूर लाइक करें। टोटल एक कोर्स चल रहा है अभी हम लोग का, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, विथ ऑल दी नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, रिविजन नोट्स सब कुछ मिलेंगे। प्लस इसमें आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोज भी मिल जाएंगे, ESI के वीडियोज, जनरली सोशल इशूज के वीडियोज मिल जाएंगे, फाइनेंस के वीडियोज मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के वीडियोज मिल जाएंगे। लाइव कोर्स चलेगा धीरे धीरे, हर चीज आपका अपडेट होता जाएगा, ठीक है। देन आपको PIB एंड करंट अफेयर्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस इनके भी नोट्स मिल जाएंगे। देन वी विल ऑल्सो, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। माइंड मैप्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कोर्स अभी 2500 में था, जो कि भी डिस्काउंटेड प्राइस ₹999 में चल रहा है। बट आप अगर intro1 intro10 ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं, देन आपको और भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसमें टोटल प्राइस आपका लगभग 1800 के आसपास अराउंड आ जाएगा। तो इसमें आपके सारे चीज मिल जाएंगे, प्लस सैंपल आंसर्स भी होंगे जिनको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। RBI ग्रेड बी का फुल कोर्स है, आप अभी ले सकते हैं कोर्स स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो है आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्टडिंग।